एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद वीडियो डाला है तो कुछ बातें आपके साथ शेयर भी करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने वीडियो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि होली है 18 मार्च को होली है और 18 मार्च को ही मेरा बर्थडे है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप मेरा बर्थडे मेरे साथ आप शेयर करना चाहते हो कि आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और काफी टाइम से मैंने वीडियोस भी नहीं डाले हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझको आजकल, क्योंकि आजकल प्रिपरेशन चल रही है, कुछ होली की प्रिपरेशन है, कुछ एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों के और कुछ मैं भी बिजी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब आपके साथ कुछ शेयर कर लूं। साथ आज रूबरू हुई हूं तो अब मैं आपके साथ 18 डेट को बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, तो 18 डेट को हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। और आप जरूर, अगर आप मुझे चाहती हो कि मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अदरवाइज होली के दिन तो मुश्किल हो जाता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि होली के दिन, क्योंकि उस दिन होली भी खेली जाएगी और बर्थडे भी मनाया जाएगा, तो फिर कैसे मैनेज होगा वो सब हम लोग देख लेंगे। क्योंकि अगर आपका कमेंट आया तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। और मेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा और वो ऑनलाइन गिफ्ट्स वगैरह भी उन्होंने बुक कर दिया है, तो फिर मैं अनबॉक्सिंग आपके साथ ही करूंगी। तो ये आपके साथ शेयर करना मेरा बनता है क्योंकि आप लोग इतने टाइम से हो मेरे साथ, तो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, जो जो गिफ्ट्स आएंगे जैसे सेलिब्रेट करूंगी, जो जो अपनी फ्रेंड सर्कल को दिखाऊंगी और इन्जॉय करेंगे हम लोग सब, और मेरा बेबी भी इंजॉय करेगा। आज की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। मैं आपके साथ वो शेयर करने चाह रही थी कि अभी जो मैं नया वीडियो डालूंगी, अभी मैं वीडियो डालने वाली थी एक नया वीडियो, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें से फ्रिल्स वगैरह होती हैं उनको कटिंग करना, उनका मेजरमेंट वो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन अभी बीच में अभी बर्थडे है मेरा तो हम लोग उसमें उसको सेलिब्रेट करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे, तो अभी मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, कुछ शॉर्ट वीडियोज बनाऊंगी, कुछ आपके साथ यूट्यूब पर पूरा वीडियो आपके साथ एंजॉय करूंगी। तो ये सब करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाया है मैंने, और अगला वीडियो में यही बनाऊंगी, जो फ्रिल्स वगैरह हम बनाते हैं शॉर्ट फुल और राउंड में फ्रिल्स वगैरह, अगला वीडियो में यही बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी अगला वीडियो। लेकिन इससे इसकी जस्ट बाद वाला वीडियो तो शायद मेरा बर्थडे का ही होगा, तो मैं मैरिज के बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। क्यों, अगर आपका मुझे कमेंट आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं अकेले ही बना लेती हूँ, और इस बार होली पड़ रही है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा काम भी बहुत हो जाएगा और शेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना तो करना ही होता है। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा उस टाइम भी। हाँ मम्मी, बर्थडे आ रहा है ना, अभी उनने बताया था सेलिब्रेट करेंगी, मतलब सॉरी सेलिब्रेट वगैरह नहीं कर रहा अभी, अभी देखते हैं सेलिब्रेट कैसे करेंगे, परेशान करेंगे, देखते कैसे बर्थडे मनानी है। कमेंट में प्लान भेजना, बताना, मैं कर दूंगा वो प्लान। ओके बाय, बस बताना, प्लान भेज देना, मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है। नाउ वेयर आर यू किडिंग मी, इट्स योर बर्थडे अगेन, ओह स्नैप, हियर वी गो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने भी बहुत सारे प्रिपरेशन कर रखे हैं और आयुषी भी, सब लोग सरप्राइज देने में लगे हुए हैं मुझको, और मुझे अभी कोई कुछ नहीं बता रहा है कि कोई क्या कर रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अभी बोल रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता। और अब लेकिन सब अपने अपने तरीके से, सबके सब अपने लगे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है लोगों के दिमाग में, ये बता नहीं रहे। पिछले इन्होंने इससे पहले वाला जो बर्थडे था मेरा, उसमें इन्होंने मुझे मोबाइल दिया था, आयुषी और उसके पापा और अंश ने मिलके, पता नहीं कब इन्होंने सरप्राइज क्या किया, क्या नहीं किया, कब किया, कुछ नहीं पता मुझे बिल्कुल। मुझे रात को 12 बजे पता चला है कि वो मोबाइल मुझे मिला है, और मुझे ये भी नहीं पता था उन्होंने किया, मतलब करा क्या है, मतलब Oh my God.
क्या मेरी प्लानिंग चल रही है, क्या बनाया, कुछ नहीं पता मुझे। इतना दिमाग तेज है मेरा, पता नहीं क्या ये लोग आपस में कब बात कर लेते हैं, यही पता नहीं। मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, पूरा काम मैं करती हूँ, इन सबका काम मैं करती हूँ। न्यू जनरेशन आ गई है फोन की। अच्छा, तो ये कब प्लानिंग कर लेते हैं तीनों मिलके, और यही नहीं मुझे मालूम पड़ता है, और हमेशा हमेशा मुझे सरप्राइज कर देता है, मेरा सरप्राइज फेल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता जाता है इन लोगों को, और मेरा सरप्राइज फेल हो जाता है, इनके पास हो जाता है। क्योंकि हम तीनों मिलके रहते हैं, आप अकेले करते हो, अकेले का हम हमेशा करते हैं। मुझसे कुछ छुपाता नहीं, कभी कुछ नहीं छुपाता, सब चीज पूछ के करेगा, सब चीज हमेशा और हर चीज बताकर करेगा। लेकिन पता नहीं अपने पेट में कैसे रख लेता है कि मम्मा का गिफ्ट है या मम्मा के लिए कोई सरप्राइज प्लान हो रहा है। ये लोग इतना प्यार करते हैं मुझे कि ये लोग इतना छुप के सब काम कर देते हैं और मुझे एकदम सरप्राइज कर देते हैं। भाई मैं कैसे बताऊं आपको, मैंने तो मैं आपके साथ व्लॉगिंग भी नहीं थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती, आप देखते सरप्राइज होते, इतना अच्छा लगता आपको, क्योंकि वो एकदम पूरा फ्लावर्स यहाँ से वहां तक, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, और पूरा मोबाइल और भी बहुत सारी गिफ्ट्स उसके अंदर, पूरा इतना बड़ा बॉक्स था मेरे लिए, पता नहीं कैसे इन लोगों ने कब कहाँ अरेंज किया, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये वैसे परेशान करते रहते हैं। हाँ, गिफ्ट बर्थडे तो यार शादी से पहले बनाते थे हम, वो इतना ऐसे बनाते थे कि लड़बिड़ के हर तरह से, और बनाते थे हम। हाँ ना, पापा मम्मी को ज्यादा वो नहीं था, लेकिन भाई को, बड़े भाई को मुझे बहुत सरप्राइज करने का शौक था। अब कहाँ, अब तो मेरे मम्मी पापा है भी नहीं है, वो नहीं है, वो बस उनकी कमी बहुत फील। और पता है, बड़े भैया मेरे सबसे ज्यादा साथ देते थे मेरे कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सारी फ्रेंड्स आती थी मेरी मैरिज से पहले मेरे घर पे, और सब लोग मिलके बर्थडे मनाते थे, बड़े भैया केक लेकर आते थे, मतलब जस्ट मैरिज से मैरिज तक भी मेरा ऐसा ही मना है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके जो पहला बर्थडे था मेरा ऐसा ही मना था, तो बहुत प्यार करते, मेरे दोनों भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और मेरी दोनों भाभियां वो हमेशा ख्याल रखते मेरे बर्थडे पर, तो सबके फोन सुबह से शुरू हो जाएंगे, अलग भाभी अलग भैया अलग, सारे दोनों सब अलग अलग फोन करेंगे मुझे। तो बड़े भैया मेरे बाहर रहते हैं, बड़े भैया भाभी, और जो छोटे वाले हैं वो मेरे हमारे, और फिर जब भी हम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो कभी मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग इन्जॉय करते हैं मेरे साथ, क्योंकि दोनों भाइयों के साथ बीच में मैं अकेली बहन हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थी, इसलिए मुझे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आप लोग, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, ये मैंने किसी को बताई भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना किसी से इन्वॉल्व हो नहीं पाती हूँ, शायद यही शायद मेरी अच्छाई नहीं है। बस इन्जॉय शेयर करती हूँ मैं, बाकी कुछ किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि किसी को दुख शेयर करने से ना कम नहीं होता है, खुशी शेयर करो बढ़ती है, दुख शेयर मत करो, क्योंकि दुख किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख किसी के पास कम नहीं है, हमेशा खुशी बांटो, खुशी खुश रहो हमेशा, मेरा इंटेंशन यही रहता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ, हमेशा झुकना अच्छा नहीं होता, क्योंकि दुनिया यही सोचती है कि शायद इसकी गलती है इसीलिए ये बंदा झुका हुआ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने हक के लिए, जब तक आप दबोगे सामने वाला आपको दबाएगा और दबाता रहेगा, इसीलिए आपको अपनी पहचान समझनी चाहिए, और आपको अपनी जो पोजीशन है, अपनी रेपुटेशन है, वो आप मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है ये सब करना, मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है, मुझे इंटीरियर का शौक है, मुझे हर चीज का, मतलब मुझे कुकिंग का थोड़ा सा कम शौक है, लेकिन हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज बनाती हूँ, तो शौक से बनाती हूँ, बड़े अच्छे से बनाती हूँ, बट बाकी चीजों का मुझे ऑलराउंडर हूँ मैं, आपकी मिक्सी से लेके आपकी लाइटिंग तक ठीक करके आ जाऊंगी मैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस मेरे बड़े भाई ने भरा है मेरे अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि गर्ल्स को हमेशा आगे होना चाहिए, और इसके लिए मेरे छोटे भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और भगवान की कृपा से हस्बैंड भी मुझे ऐसे मिले हैं, मेरे बच्चे भी, मतलब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं सबके सब, मैं यही भूल जाती हूँ कि मैं खुद क्या करना है मुझे, ये सब लोग मुझे हमेशा आगे इंकरेज करते रहते हैं, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि शायद मुझे इंसान का जन्म मिला है, तो बहुत अच्छे के लिए मिला है, और बहुत
अच्छा ही हुआ। ठीक है, आपके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो शेयर करेंगे, वो एंजॉय करेंगे। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा और फिर मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी और एंजॉय करूंगी और बहुत मजा करूंगी और मैं खुश रहती हूँ, आप सबके साथ खुशी शेयर करूंगी अपनी, और होली भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग। आपके साथ शेयर करेंगे तो, और मेरा आर्यन भी करेगा और आयुषी भी करेगी ना आर्यन। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि ना बेल आइकन दबाओगे तो आप मेरे सारे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो और मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है, लोग कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे आगे और भी कुछ करना चाहिए, और भी कुछ बनाना चाहिए। तो अभी मैं कुछ बनाने के मूड में थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि गेट टुगेदर हो जाए और उसके बाद बल्कि बर्थडे। मम्मी एक बात सोची। हाँ बोलो। बर्थडे है 18 मार्च को बर्थडे, और अगर आप होली अगर आप बर्थडे मना रहे हो चुपके से आगे तो अलग होली हो जाएगी। अलग से जब ढोल रंग लगा के बर्थडे तो वो अलग होली हो जाएगी, वो अलग एंजॉय हो जाएगा। ऐसा कलर किसी को भी नहीं लगा होगा, वो कलर लग जाएगा फेस पे, केक कलर। फुल एंजॉय करने में मूड में है। नहीं मेरे बर्थडे पे तो नहीं, मेरे बर्थडे पे केक मत लगा देना, मुझ पर बहुत मारूंगी मैं। अरे मैं नहीं लगाता, बस ऐसा बस आवाज से काट लूं, ऐसे करूंगी ना हैप्पी बर्थडे को जाके आगे लड़का मैं फूटूंगी जो कर। नहीं भाई दे देना, मैंने बात की अकेले दे देना। ये इनकी मत सुनना, इनको ये ऐसी करती रहती है, हम दे देना बस। अच्छा आइडिया दे देना, आइडिया दे देना। यू गॉट इट ड्यूड। बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बाजू में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। बाय बाय।